अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का हर मकदम। सबसे पहले हुकूमत अपना किसी भी मामले में रवैया साफ करते नजर नहीं आते। अवाम भी अजीब ज़हनी कश्मकश में है कि क्या ये पाबंदियां जो आयद की जा रही वहां कहीं ओमिक्रोन को लेकर या फिर महज नए साल का जश्न या क्रिसमस के मद्देनजर है, क्योंकि इन पाबंदियों पर सवालात का उठाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दिगर इजलास, रैलियां, चुनाव सभी जारी है और इस पर आवाम सवाल कर भी रही है। आज फिर ओमिक्रोन को लेकर जिस तरह खबरें गश्त कर रही है फिर से डर खौफ पैदा करने वाली है। हर मामले को सियासी पस मंजर में देखना पड़ रहा है। अगर कोरोना ओमिक्रोन को बढ़ाया घटाया जाता है तो इसका फायदा सियासी तौर पर किस पार्टी को मिलता है इसकी तफ्तीश भी जरूरी है। हम इस बात को पूरी तरह से रद्द नहीं करते कि इस तरह की कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इसका बढ़ना और घटना कहीं तो भी शक के दायरे में आता है और इसे आवाम भी समझ रही है। आज अचानक ओमिक्रॉन मरीजों की तादाद बढ़ चुकी है, ऐसा खबर हासिल हुई है। महज आज एक ही दिन में 23 मरीज ओमिक्रॉन के पाए जाने की इत्तला है। 2021 का आखिरी दिन क्या 2022 के ओमिक्रॉन मरीजों की इफ्तिताह तो नहीं है, ऐसा सवाल भी किया जा रहा है। ये कोरोना ओमिक्रॉन की कहानी भी बड़ी अजीब है। अब कुछ लोगों ने ओमिक्रॉन को बेहतर कहते हुए कोरोना को जड़ से ही खत्म होने की निशानी बताई है। भारत के मुख्तलिफ डॉक्टरों ने इस पर अपनी राय पेश की है। वहीं दूसरी ओर WHO ने डेल्टा से भी खतरनाक कहते हुए कईयों की जान जाने की बात भी कही है। अगर पिछले कोरोना दौर से इसका जायजा लिया जाए तो कभी भी इस बीमारी को लेकर या नए ओमिक्रॉन को लेकर अलग अलग राय देखी जा रही है। भारत के कुछ डॉक्टरों ने ज्यादा खतरनाक नहीं लेकिन एहतियात जरूरी है कहा। पहले तो WHO ने भी इसी तरह का बयान दिया था, लेकिन बार बार बयानों को क्यों बदला जाता है? पहले खतरनाक नहीं रहता, फिर अचानक खतरनाक हो जाता है, फिर वैक्सीन को लेकर भी इसी तरह का मामला देखा गया। पहले तो सिर्फ 60 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन जरूरी की बात कही गई, फिर 45 उम्र का ऐलान किया गया, फिर सभी को और अब तो बच्चों को भी देना जरूरी है कहा जा रहा है। भारत ने दुनिया में सबसे ज्यादा 144 करोड़ वैक्सीन देने की बात तो कही जा रही है, लेकिन चीन सबसे पहला है जिसमें उन्होंने 270 करोड़ वैक्सीन आवाम को दिए हैं। फिर एक बार सवाल यही खड़ा होता है कि क्या हर बीमारी को अलग वैक्सीन लेनी पड़ेगी? क्या इंसानी जिस्म में यूं ही एंटीबॉडीज के नाम पर और कितने वैक्सीन लेना पड़ेगा? क्या बच्चों को भी इस तरह वैक्सीनेशन करना बेहतर है या नहीं? और सबसे बड़ा मसला यह है कि जिस कदर महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जाहिर है मरीज के लिए इलाज भी मुश्किल होता जा रहा है। सभी जानते हैं कि पिछले 2 लॉकडाउन में मरीजों का और आवाम का क्या हाल हुआ, लिहाजा फिर एक बार इस बढ़ते ओमिक्रॉन को लेकर आवाम तश्वीश में है। आखिर इन बीमारियों का इलाज क्या है? क्योंकि बूस्टर से भी आपको कोरोना नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, लिहाजा क्या दुनिया को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत चलने की साजिश तो नहीं है? आखिर बार बार डर खौफ का खेल क्यों खेला जा रहा है? एक बार फिर बढ़ते मरीजों के आंकड़े इंसान को मायूस करते दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी शुगर BP ने तकरीबन घरों में दाखला ले ही लिया है। घरों में राशन कम और दवा गोलियां थैलियां भर भर कर ले जाने की नौबत आ चुकी है। धीमी रफ्तार से चलता कारोबार, सरकारी टैक्स, घर के खर्चे, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया से लोग उग चुके हैं। इस मुख्तसर से जिंदगी में हर रोज बढ़ती परेशानियों से आवाम उग चुकी है। हर रोज नया शगुफा, हर रोज सरकारी तमाशा, फिर उसमें अब तो हिंदू मुस्लिम फसादात का डर। मतलब इंसान आज के इस दौर में मुस्कुराना भूलता जा रहा है। सुबह से शाम कैसे होती है इसका भी पता नहीं चलता। एक बार फिर ओमिक्रॉन के नाम से आवाम का गला सूखता जा रहा है। इस कोरोना ने अमीर गरीब के फासले को भी तवील किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुशी की वारदातों में जबरदस्त इजाफा होता जा रहा है। अब नौजवान भी जहरी बीमारी का शिकार होते जा रहे हैं। पहले की तरह तंदुरुस्ती और जिंदा दिल इंसानों की कमी इंतहा के मियार पर पहुंच चुकी है। जरूरत है इंसान को अपने रब को पहचानने की और अपने तमाम मसाइल को उसी की तरफ मोड़ने की। अपने आप को बहुत दीनदार समझने वाले भी दुनिया की मोहब्बत में कैसे गिरफ्तार हुए इसका अंदाजा महज कोरोना के दौर में ही देखा जा सकता है। अल्लामा इकबाल ने कहा कि आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आ कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। ये वक्त अपने ईमान के तहफ्फुज़ का है जिसकी फिक्र पर कोई करता नजर नहीं आता, भले ही वो अपने आप को दीनदार ही समझता क्यों ना हो। हुक्केरे में एक अजीब वारदात पेश आई जिसमें मौलाना आजाद स्कूल के कमरों को ही ताला लगाया गया, जिसकी वजह से स्कूली बच्चे पूरा दिन मैदान में खड़ा नजर आए। हासिल इत्तला के मुताबिक पहले मौलाना आजाद उर्दू स्कूल सरकारी इमारत में तैनात थी, पर कन्नड़ स्कूल को शुरू करने की वजह से उर्दू स्कूल को वहां से बापूजी शिक्षण संस्था की इमारत में अकलियती महकमा के जेर निगरानी मुंतकिल किया गया। वारदात अक्टूबर में पेश आई। 2 महीने से स्कूल यहीं से चल रही है, जबकि शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पर इसके बावजूद भी स्कूल के तलबा और तालिबात यहाँ रोजाना पैदल जा रहे हैं,
लेकिन अचानक आज 50 से भी ज्यादा लोगों की एक टोली ने स्कूल इहाते में जाकर स्कूल को ही ताला लगा दिया और कहा कि इस इमारत का रुपया बाकी है और ये इमारत निजी है, जब तक इसे अदा नहीं किया जाएगा ताला नहीं खोला जाएगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या उर्दू स्कूलों के साथ इसी तरह का रवैया अख्तियार किया जाता है? आखिर वो कौन शख्स था, आखिर वो लोग कौन थे जिसने इतनी हिम्मत करते हुए सरकारी स्कूल चलाने वाली इमारत को ही ताला लगाया? अकलियता महकमा ने आखिर नई इमारत उर्दू स्कूल के लिए क्यों तामीर नहीं की? बच्चों का कहना है कि अभी कहीं लॉकडाउन के बाद स्कूलों को शुरू किया गया, 10वीं के इम्तिहान है और स्कूल को ताला लगाया गया है। लिहाजा इस खबर को मद्देनजर रखते हुए तालीमी महकमा के अफसरान, स्कूल कमेटी और जिसने भी ताला लगाया है, इनकी मीटिंग कल तलब करने की बात कही जा रही है। जो भी हो, लेकिन मौलाना आजाद उर्दू स्कूल को इस तरह ताला लगाने से तालीमी मैदान में हंगामा बरपा हुआ है। ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಇವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮುಖತ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಅದನ್ನ ಇವರೇನಂತಿದ್ದಾರೆ, ನೊಂದ ಪಾಲಕರು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಯಾರು ಬಾಪೂಜರು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಏನೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನೀವು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ನೀವು ಅದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕರಾರು ಪತ್ರ ನೀವು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಕೂಲು ಮುಚ್ಚುತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಬಂದು ನಮ್ಮದು ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮು ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ ರೂಮು ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಊಟದ್ದು ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರೂಮು ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅವ್ರು ನಾವು ಲಾಕ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹೋಸ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ರ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. हमारी स्कूल बंद ना कुकर दो महीने में स्टार्ट हुई है, अभी मैं फेरा हूँ कुछ भी नहीं लिखाने, क्लास भी नहीं स्टार्ट होने और एग्जाम भी है, एग्जाम के लिए स्टडी करने का एक्स्ट्रा क्लास भी स्टार्ट करने लेती है, स्कूल मत बंद करो दो ही महीना स्टार्ट करें. तो टू मंथ्स आगे तो ना स्कूल स्टार्ट आगे बंदी मत स्कूल इला बीग हाकारे मत क्लास नड़ीता एग्जाम हत्र बे ऐन स्टडी गोता. कर्नाटक में भी आजकल फिरकापरस्त वाक्यों में इजाफा होता जा रहा है. उड़पी के सरकारी कॉलेज में कुछ मुस्लिम लड़कियों को मैज इसलिए क्लासेस में बैठने को मना किया गया और क्लासेस से बाहर निकाला गया क्योंकि इन्होंने हिजाब पहना था, लिहाजा कुछ कॉलेज के तलबाओं ने हिजाब न निकालते हुए बाहर ही खड़ा रहने का फैसला लिया. तो कॉलेज के जिम्मेदारान ने वालिदैन से बुलाकर इन्हें समझाने की कोशिश करने की बात कही है. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್, ಅವರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿದ್ದೆ ಸಾಕು. ನಾವು 3 ದಿನದಿಂದ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಷ್ಟು. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತಕೊಂಡು ಬಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಬಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ 3 ದಿನದಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದಾಗ ಯಾರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಅವರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ, ಬಟ್ ಅವರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 2 ಅವರ್ 3 ಅವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. 3 ದಿವಸದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದೇ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸರ್, ನಮಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು. नए साल के दूसरे दिन ही हुकूमत की जानिब से बिजली का शॉक दिया जा रहा है. 2 जनवरी को बेलगाम का तकरीबन हिस्सा अंधेरे में रहेगा. मरम्मत के मद्देनजर बिजली की सप्लाई को काटने की बात हेस्कॉम की जानिब से कही गई. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.